वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे 5 विस्कीज का नाम जो 1000 रुपीस में आपको स्मूदेस्ट विस्की ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्मूथ वर्ड है ना, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब जो विस्कीज मुझे स्मूथ लगता है शायद आपको वो ना लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो विस्की स्मूथ लगते हैं शायद दूसरे या तीसरे बंदे को वो ना लगे। तो ये डिपेंड करता है अपना अपना एक्सपीरियंस के ऊपर। बट मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो ये जो विस्कीज आपको ऑफर करते हैं, इसको ध्यान से सुनने के बाद आपको लग सकता है कि दे आर डिलीवरिंग समथिंग न्यू टू यू। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्रिंक करेंगे तो शायद ये विस्की भी आपको स्मूथ लग सकता है। और एक कहावत है कि ये जो विस्कीज है ना, चीप ब्रांड इंडिया में जो मिलता है वो मोलासेस से बनता है। बट मैं आपको बोल दूं कि नहीं, आजकल बहुत ऐसा विस्कीज है जो मोलासेस से नहीं बना रहा है विस्की, प्योर ग्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि पब्लिक ना बहुत अवेयर हो चुका है, आजकल यूट्यूब वीडियो देखकर बहुत कुछ जान लेते हैं, तो पब्लिक को धोखा देना मुश्किल हो चुका है। इसीलिए कंपनी अपना जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर चुका है। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो कंपनीज पहले मोलासेस को यूज़ करके विस्कीज बनाते थे, वो आजकल अपना ब्रांड को रीलॉन्च कर रहा है। मतलब साफ है कि ग्रेन विस्कीज के साथ वो लॉन्च कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से जानना। फ्रेंड्स, क्या है ना, मैंने अपना बार्टेंडिंग करियर में देखा है जो लोग अपना ब्रांड को पसंद करता है उससे वो हटते ही नहीं है, उससे चिपक के रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, एक्सपेरिमेंट कीजिए तो तब जाके आपको पता चलेगा कितना वास्ट और वैरायटी ऑफ विस्की इंडिया आपको ऑफर कर रहा है। एक ब्रांड के साथ चिपके मत रहिए, एक्सप्लोर कीजिए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं 5 विस्कीज का नाम बताऊंगा, बट ये सारे ब्रांड बहुत अच्छा इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और इन सारे ब्रांड में वो पोटेंशियलिटी है जिससे अपना जो ओल्ड ब्रांड है उसको छोड़कर इसको अपना सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, क्या हुआ यार, आजकल आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। एक लाइक दे देना प्लीज, प्लीज नीचे बटन है, एक लाइक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, काउंटडाउन शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि 1000 को जो ये टैग है, ये कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है। तो 1000 पकड़ के चलते हैं। पहले पायदान मतलब 5 नंबर पर है रॉकफोर्ड रिजर्व विस्की, अ फाइन एंड रेयर विस्की जिसको ब्लेंड किया गया है रेयरेस्ट ओक एज स्कॉटिश मॉल्ट विस्कीज एंड प्रीमियम क्वालिटी इंडियन ग्रेन स्पीड के साथ जो चारकोल फिल्टर्ड है। द टेस्ट इज स्मूथ एंड मिलो येट कॉम्प्लेक्स विथ मैच्योरिटी एंड सॉफ्ट स्वीटनेस जो एक बैलेंस्ड एरोमा देती है ओक एंड फ्रूट का। अगर आप एक परफेक्ट बैलेंस विस्की को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इमीडिएट जाइए और रॉकफोर्ड खरीद के लाइए। चलिए नंबर 4 पर मूव करते हैं और नंबर 4 पर है ओकेन ग्लो। पानो रिकर्ड्स इंडियाज ओकेन ग्लो इज अ ब्लेंड ऑफ एज स्कॉच विस्की मॉल्ट्स बोर्न इन स्कॉटलैंड एंड बॉटल इन इंडिया। एंड यस, दिस इज अ स्मोकी विस्की। मतलब उतना डोमिनेटिंग स्मोक फ्लेवर नहीं है बट हिंट ऑफ स्मोक आपको बड़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। द स्पिरिट पैक्स अ स्मोकीनेस ऑफ पीट स्मोक और इसका कारण है डलमोज डिस्टिलरी का मॉल्ट स्पिरिट जिसको भारी मात्रा में इस विस्की में ब्लेंड करके इसका जो स्मोकी कैरेक्टर है इसको लाया गया है। एंड यस, इट ऑल्सो ट्रू कि इस विस्की को बनाने के लिए प्रीमियम ग्रेन स्पिरिट को इस्तेमाल की गई है। विस्की का जो टेस्ट है ये आपको स्मूथ तो है ही है, साथ साथ ये काफी मिलो एंड वार्म है, साथ साथ हिंट ऑफ स्मोकीनेस आपको दीवाना बना सकता है। चलिए मूव करते हैं नंबर 3 पे और नंबर 3 पे मैंने रखा है गोल्फर शॉट विस्की को। गोल्फर शॉट एक बजट फ्रेंडली इंडियन विस्की है बट ट्रूली अ सुपर विस्की। गोल्फर शॉट इज अ वन ऑफ इट्स काइंड विस्की जिसको हैंडक्राफ्टेड ओक कास्ट में मैच्योर की गई है। ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉच एंड फाइन इंडियन ग्रेन स्पिरिट बट द टेस्ट इज वेरी न्यूट्रल। कोई भी फ्लेवर ओवरपावरिंग नहीं है, आप आराम से इसको बोल सकते हो एक न्यूट्रल विस्की जो बहुत ही बैलेंस तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है इंडियन मार्केट में। जब आप सीप करोगे गोल्फर शॉट को तब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका स्मूथनेस, फ्लेवर,
वार्मनेस, एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट, और मैं बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप. द वेरी फर्स्ट सिप रिवील्स द बोल्ड ब्लेंड ऑफ फ्लेवर्स एंड वुडी हिंट गिव्स यू अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस. तो चलिए मूव करते हैं नंबर टू पे, और नंबर टू पर मैंने रखा है रूलेट व्हिस्की को, जो पॉल जॉन डिस्टिलरी से बिलोंग करते हैं. बहुत ही अच्छा एक व्हिस्की है. अगेन इट इज अ पीटेड व्हिस्की, मतलब ये एक स्मोकी व्हिस्की है. और इस व्हिस्की में एक खास बात है, इसमें कोई स्कॉच व्हिस्कीज को मिलाया नहीं गया है. यूजुअली जितने भी व्हिस्कीज इंडिया में अवेलेबल है, आप नोटिस करेंगे उसमें स्कॉच व्हिस्की का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी 2% to 12%. बट इस पर्टिकुलर व्हिस्की में कोई स्कॉच व्हिस्की को नहीं मिलाया गया है. हालांकि ये व्हिस्की स्मोकी है, और स्मोक तो आपको मोस्टली पीट से ही मिलता है. तो फिर कंपनी कैसे बना है? सिंपल है, कंपनी जो बार्ली को प्रोक्योर करता है ना, वो स्कॉटलैंड से करता है. जी हाँ, पीटेड बार्ली को प्रोक्योर करके यहीं पे उसको डिस्टिल करते हैं, व्हिस्की बनाते हैं, एंड यहीं पे अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल में मैच्योर करते हैं, और उसके बाद उस व्हिस्की को न्यू ग्रेन स्पिरिट के साथ ब्लेंड करके अपना व्हिस्की को तैयार करते हैं. और इसी के कारण रूलेट व्हिस्की कंप्लीटली अलग हो जाता है उनकी जितने भी कंपिटिटर्स हैं उनसे. टेस्ट काफी रिफाइंड है, पीट स्मोक के साथ साथ आप लाइट स्वीट नोट फील कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, देन आई मस्ट सजेस्ट यू प्लीज गो विद दिस व्हिस्की. यू विल गेट इंटरेस्टिंग यू नो एक्सपीरियंस. चलिए नंबर वन पर आते हैं. अब आप सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है यार, मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने फाइनली इस पर्टिकुलर ब्रांड को इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इसमें वो सारे काबिलियत है. आप जानना चाहेंगे कि वो ब्रांड का नाम क्या है, और ये है वुडबर्न व्हिस्की. वर्ल्ड ब्लेंडेड व्हिस्की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत चुका है ये व्हिस्की एट द इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज हेल्ड इन लंदन. आप कितने फैमिलियर हैं व्हिस्की कंपटीशंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है. मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये जो कंपटीशन हुआ है, वहां पर 70 कंट्री से 1700 व्हिस्की को प्रेजेंट किया गया था, और उनमें से सिल्वर मेडल लेकर आना कोई मामूली बात नहीं है. ये कॉन्टेम्पररी व्हिस्की है, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बाय अ गोवा बेस्ड डिस्टिलरी कॉल फुलरटन डिस्टिलरी. वुडबर्न व्हिस्की को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है, उसका एक यूनिक कैरेक्टर है जो है चारकोल फ्लेवर, जो कभी कभी बहुत एडिक्टिव लगता है पैलेट में. कॉन्टेम्पररी व्हिस्की का मतलब यह है कि सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल हुई है इस व्हिस्की को बनाने के लिए, सब इंडिया से ही ली गई है. इसका मतलब यह हुआ कि इस व्हिस्की में कोई स्कॉटिश कनेक्शन नहीं है. जी हाँ, इस व्हिस्की को बनाने के लिए कोई स्कॉच व्हिस्की को मंगवाया नहीं गया, बल्कि डिस्टिलरी ने खुद यहाँ पर व्हिस्की को डिस्टिल किया और अमेरिका से बैरल मंगवाए, जो एक्स बर्बन बैरल है उनको मंगवाए और यहाँ पर उसको मैच्योर किया. एंड मैच्योर एंड एज करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके साथ न्यू मेक स्पिरिट को मिला के इस पर्टिकुलर ब्रांड को तैयार किया है कंपनी. एंड इंडियन नेचर में पूरे व्हिस्कीज को बनाने के कारण इस व्हिस्की का जो कैरेक्टर है ये काफी रिच बन जाते हैं. द व्हिस्की ऑफर सटल एरोमेटिक नोट ऑफ स्मोक एंड डार्क चॉकलेट एंड इज कंसिडर्ड टू बी मस्ट ट्राई बाई ऑल द ड्रिंक enthusiasts इन द कंट्री. साथ साथ मैं ऐड करूंगा कि enthusiasts तो बोलते ही रहते हैं, बट मैं भी आपको बोल रहा हूं कि यार आप लोग भी ट्राई कीजिए, ब्रांड के साथ चिपके मत रहिए. बाय द वे, वीडियो कैसा लगा, ये काउंटडाउन शो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज यार कमेंट्स करना नीचे. और हाँ, मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. जय हो.